हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस ब्रिटिश राइटर विलियम गोल्डिंग का 1956 में पब्लिश्ड थर्ड नोवेल जो था, दैट इज पिंचर मार्टिन, मैं उसकी समरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये जो नोवेल है, ये क्रिस्टोफर हेडली पिंचर नाम के एक नौसेना लेफ्टिनेंट की स्टोरी है, जिसका जहाज नष्ट हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारे नोवेल की शुरुआत होती है, तो क्रिस्टोफर हेडली पिंचर, जिसका शॉर्ट नेम है पिंचर मार्टिन, एक टेम्परेरी नेवल लेफ्टिनेंट के रूप में काम कर रहा है, और इसका एक जहाज है, ये एक मिलिट्री जहाज पर काम कर रहा है, जो कि मिलिट्री टारपेडो डिस्ट्रॉयर है। वो दुश्मन की चपेट में आकर नष्ट हो जाता है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब जाता है। तो जब नोवेल की कहानी शुरू होती है, तो पिंचर मार्टिन पानी में बह रहा है और वो किसी भी मलबे को पकड़कर बचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। उसकी जान तभी बचती है जब वो एक आइसोलेटेड मिड अटलांटिक आइलैंड पर पहुंचता है, एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाता है, और जब वो इस आइलैंड, इस टापू की अच्छी तरह से छानबीन करता है, तो वहां उसे कुछ अजीब से पत्थर, पीने के लिए पानी का एक तालाब और कुछ ऐसे पौधे और समुद्री एनीमोन मिलते हैं, जिन्हें खाकर वह जिंदा रह सकता है। वो अपने जहाज के बचे हुए साथियों को खोजता है, पर उनमें से उसे कोई नहीं मिलता है। तब वो ये कंक्लूजन निकालता है कि वो सब के सब मर गए हैं। फिर वो ये तय करता है कि वो जिंदा रहेगा ताकि उसे आकर लोग ढूंढ लें, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे उसको ढूंढने की संभावनाएं कम होती जाती है। तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना दिमागी संतुलन बनाए रखने की है, क्योंकि उस टापू पर उसको ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। उसको एक इल्यूजन हो जाता है कि मेरे सामने कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गई हैं, और वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, कहता है कि वो वास्तव में यहाँ पे प्रेजेंट हूं या नहीं हूं। ये जो उसकी प्रेजेंट है, ये उसकी पहचान का सबसे बड़ा इशू बन जाती है। फिर कहानी और आगे बढ़ती है, तब भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि मार्टिन अभी जिंदा है, अभी वो सेन है, यानी कि अभी वो पूरा समझदार है, या इनसेन पागल हो गया है। पूरा नोवेल मार्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, पर फिर भी रीडर को यह क्लियर नहीं होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। कई बार तो मार्टिन एक जबरदस्त ट्रेंड प्रोफेशनल के सामने के रूप में हमारे सामने आता है, जो कि भोजन इकट्ठा कर रहा है, ताजा पानी इकट्ठा कर रहा है, और वो ऐसे साइन, ऐसे चिन्ह बना रहा है जिससे बचाव दल वाले उसे आसानी से ढूंढ सके। और कई बार वो ऐसा आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह से डिसिल्यूजनड है, जिसको पागलपन का दौरा पड़ रहा है, वो पूरी तरह से निराश है। वो पत्थरों से एक ढांचा बनाकर अदृश्य देवताओं को प्रार्थना करता है ताकि वो किसी से बात कर सके। उसे टापू पर जो उसकी कैद की फीलिंग है, वो बढ़ती दिखती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, मार्टिन की जो सोचने की प्रोसेस है, वो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज्ड होती जाती है। जब नोवेल एंड होने वाला होता है, तब मार्टिन के जो विचार हैं बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और वो जिंदगी में अपनी की गई गलतियों पर अपने विचार बताता है। हालांकि उसके विचार हमारे सामने कुछ शक पैदा करते हैं, और इन विचारों में कल्पनाएं भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कैनिबल नर भक्षियों की बात करता है, लोगों को खाने की बात करता है, और वो डरावने अपराधों के बारे में बताता है जो कि नामुमकिन है। उसकी कहानी टापू पर ही खत्म होती है, जब वो पास से, जब टापू के पास से एक जहाज गुजरता है, तो उस जहाज को उसकी पानी में बहती हुई लाश मिलती है। जिन लोगों ने उसे खोजा था, वो कहते हैं कि वो तो तुरंत ही मर गया था, क्योंकि उसके पास तो सी बूट उतारने का भी टाइम नहीं मिला था। इससे पता चलता है कि वो तो तुरंत ही डूब कर मर गया था, जिससे टापू पर सुनाई गई कहानी एक परगेटरी में बदल जाती है। उसका दिमाग शायद मौत से बचने की कोशिश कर रहा हो, या टापू किसी तरह की आफ्टर लाइफ या पनिशमेंट हो। बाद में गोल्डिंग ने खुद ये बताया था कि मार्टिन जीने की जबरदस्त इच्छा रखता था,
इसलिए वो किसी दूसरी ही दुनिया में जिंदा था। उसके जिस्म ने तो कभी भी अटलांटिक समुद्र नहीं छोड़ा था, पर उसकी आत्मा ने अपना खुद का एक आइलैंड ढूंढ लिया था जिसमें वो हमेशा जिंदा रहेगा। विलियम गोल्डिंग का सबसे फेमस नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। उन्हें 1980s में लिखे नॉवल राइट्स ऑफ द पैसेज के लिए नोबेल प्राइज और बुकर प्राइज मिला था। उन्हें 1988 में नाइट की उपाधि भी मिली थी। सो आई होप फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।